डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आज से प्रचार का दौर शुरू हो गया है और पहले ही दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबू मांडी ने ताबड़तोड़ दो जनसभाओं को संबोधित कर एनडीए के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। बोकारो के नावाडी में पहली सभा करने के बाद बाबू मांडी डुमरी के धावाटार पहुंचे। खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद सभा स्थल पर मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार गरीबों मजदूरों को प्रताड़ित करने वाली सरकार है, अब इसको बदलने का वक्त आ गया है। भीड़ को देखते हुए एक मंजे हुए राजनीतिक की तरह उन्होंने संथाली में भी भाषण दिया। आज सुप्रत्याशी यशोदा देवी मंच पर बोलते बोलते ही भावुक हो गई और अपने दिवंगत पति के कार्यों का हवाला देते हुए लोगों से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। बाबूलाल मांडी के साथ कई दिग्गज नेता जैसे वीडी के वर्तमान सांसद और आंसू नेता चंद्रप्रकाश चौधरी, भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, पूर्व सांसद रविंद्र राय, रविंद्र पांडे, बागमारा विधायक डुल्लू महतो, कोडरमा विधायक नीरा यादव सहित कई अन्य लोग भी मंच पर मौजूद थे। प्रचार के पहले ही दिन एक साथ इतने दिग्गजों की मौजूदगी ये बताती है कि एनडीए जोरदार हल्ला बोलने की तैयारी में है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। नोंडे तो आयमा दिन फोन जेने में जीता उकान ते ना पेंशन ही तो नौका होती स्तबों पे 3.5 वर्ष कौन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने मैं पेंशन 3.5 वर्ष कौन आबो लगी तो जी हो भाई कमी कर उनको तो मिता में आको लगी तो कमी करना परिवार लगी कमी करना पैसा लगी कमी करना ओना तुम मिताओ बोना दिया तुम हजूक कान जहाँ चुनाव रे जहाँ 5 सितंबर में ना उन रे तो मिता में विनी बोटेन बोट केला छाप रे एम करते और नोटे कौन जसोदा देवी कौन जीता हुआ तो आ मैं कहीं से नो आ लय कहीं से जिंक कटे रखा देवी उम्मीदवार के रूप में मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा यह चुनाव पूरे राज्य का दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल पार हो चुका, लगभग 4 साल हो चुका, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जो यहाँ झारखंड के लोगों के साथ झारखंडी जनता के साथ जो धोखा दिया है इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और पूरे सरकार को हमें बदलनी है कि नहीं बदलनी है, तो बदलने के लिए क्या करना होगा, 5 तारीख को आप सब लोगों को केला छाप में वोट देना होगा और श्रीमती जसोदा देवी जी को जिताना होगा। हम यही कहने के लिए आया हूँ, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ, यही अपील करने के लिए आया हूँ। 5 तारीख को आप सब लोगों को केला छाप में वोट देना होगा और श्रीमती जसोदा देवी जी को जिताना होगा। उपचुनाव है लेकिन यह उपचुनाव बड़ा महत्व रखता है। आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता आप लोगों की ओर लोग देख रहे हैं, डुमरी की ओर लोग देख रहे हैं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता क्या निर्णय करते हैं। और इसीलिए आप लोग जो लोग देख रहे हैं जो कि 3.5 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और ये 3.5 साल से ये सरकार ने इस राज्य में काम तो किया नहीं लेकिन पूरी कमाने में ये लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप कमाने वालों को हमें झारखंड में सरकार बनाना, उनको जिताना है। और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर के एनडीए की प्रत्याशी यहाँ से आज सुख पार्टी के प्रत्याशी को हम सब लोगों ने खड़ा किया है, यशोदा देवी जी को यहाँ से खड़ा किया है। और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही मैं निवेदन कर रहा हूँ, यही हम अपील कर रहे हैं कि आने वाला जो 5 सितंबर का चुनाव है 5 सितंबर को आप सब लोग एक एक वोट किस छाप में देंगे पता है ना, कौन सा छाप, केला छाप। और कितना नंबर में है, 2 नंबर में केला छाप में है। तो इस बार केला छाप में वोट देकर के एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है श्रीमती यशोदा देवी जी को यहाँ से हम लोगों को जिताना है।
क्यों जिताना है, तो आज जो झारखंड में जेएमएम की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार में कोई भी कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण रोज हो रहा है। बहुत देखियों की इज्जत भी कहीं सुरक्षित नहीं है। और इसलिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो सरकार चोरी डकैती को रोक नहीं सके, बहुत देखियों की इज्जत को भी सुरक्षित नहीं कर सके, तो फिर उस सरकार को हटानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हटाने का काम आप सब लोगों को ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ये शुरू करना, शुरुआत तो हम लोगों ने रामगढ़ विधानसभा से किया है, अब डुमरी से भी इनको हम लोगों को यहाँ से विदा करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। बरसात के समय भी आप लोग डटे हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह आप लोग 5 तारीख तक डटे रहे और ईवीएम मशीन में 2 नंबर केला छाप पर पटाने बटम दबाने के लिए आप लोग इसी तरह कतार बंद कर सभी बूथों में जाकर केला छाप पर बटन दबाकर हमें विजय बनाया। मैं आप लोगों के यही आसान उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि एनडीए के शीर्ष नेता ने मुझे जिस तरह आशीर्वाद दिए हैं, उसी तरह मैं सभी मताओं से, सभी मतदाताओं, सभी नौजवान साथियों से मैं विनती करते हैं कि आप लोग एक बार हमें मौका देने का काम कीजिए। मैं आप लोगों को सेवक के रूप में हर समय खड़ा रहूंगी। आप लोगों को अपने पति के सपना को मैं पूरा करूंगी।